हाय बायोटोनियंस, जितने भी बच्चे नीट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज है। नेक्स्ट एग्जाम आपके लिए 2029 में होगा। ये एग्जाम दो टाइप से होता है। एक होता है इसका स्टेप 1, जो आपके फाइनल ईयर के बाद आपको देना पड़ेगा, जिसमें आपको 540, यस यू गॉट मी राइट, 540 एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। उसके बाद आपकी इंटर्नशिप होगी विच इज अराउंड 1.5 ईयर, और उसके बाद एक बार आपकी इंटर्नशिप हो गई उसके बाद आपको नेक्स्ट 2 ईयर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, तभी आप पीजी एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो ये कमीशन ने बता दिया है कि नेक्स्ट का जो 2 स्टेप एग्जामिनेशन है फेब 2029 से स्टार्ट होगा। सारी डिटेल्स इसकी मैं आपको बताने वाली हूँ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, राइट। नेक्स्ट एग्जामिनेशन 23 बैच के लिए नहीं होगा, पर 2024 बैच के लिए ये एग्जामिनेशन आ चुका है। इसका पूरा टाइम टेबल आ चुका है इस एग्जामिनेशन का, राइट। तो 2024 जो एग्जाम देगा एमबीबीएस का, उनको नेक्स्ट का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। सीबीएमई, जो आपके एनएमसी का ब्रेकअप है, उन्होंने पूरी रेगुलेशंस बताई है, और कल सुबह इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो से लेकर 100 पेज पीडीएफ पूरा पढ़कर आई विल टेल यू, बट हर जगह इंफॉर्मेशन यही है। ऑब्वियसली अभी बच्चे पूछेंगे, मैम नेक्स्ट टफ है या नीट टफ है? इट्स एन एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन। फर्स्ट से फोर्थ ईयर तक आपने जितना पढ़ा है वो क्यूमुलेटिव देखा जाएगा। इट इज गोइंग टू रियली टोटली चेंज द वे मेडिकल एजुकेशन इज कंसिडर्ड इन आवर कंट्री। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, हार्डवर्क, और वर्स्ट चीज ये है कि अगर आपका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ तो आपका साल वेस्ट हो जाएगा, यू विल हैव टू रीअप्लाई। ऑब्वियसली आप मल्टीपल टाइम्स ये एग्जामिनेशन दे सकते हो, बट एवरीबडी वुड वॉन्ट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। मैं आपको कुछ और न्यूज क्लिपिंग्स दिखाती हूँ, बट सारी न्यूज क्लिपिंग्स यही कह रही है दैट एग्जामिनेशन विल बी देयर, राइट। सो द कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एग्जामिनेशन सीबीएमई के रेगुलेशंस है, वो पूरा पीडीएफ भी मैं आपको कल दिखाने वाली हूँ, राइट। ये देखिए 98 पेजेस का ये पूरा पीडीएफ है जो मैं आपको डिटेल्ड में कल बताने वाली हूँ। बट ये सीबीएमई रेगुलेशंस नेक्स्ट स्टेप 1 फेब 2028 में होगा, 4 साल बाद। दैट मींस जो एमबीबीएस कर रहा है नीट 2024 से, उसको फाइनल ईयर के बाद नेक्स्ट का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। आफ्टर क्लियरिंग द नेक्स्ट एग्जामिनेशन इंटर्नशिप होगी, दैट इज द पार्ट 1 ऑफ द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। इंटर्नशिप के बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन होगा विच इज पार्ट 2, राइट। सो एमबीबीएस स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2024, जो 2024 में एडमिशन लेंगे, उन बच्चों को नेक्स्ट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, राइट। इज दैट क्लियर? और स्टेप 2 होगा आपका फेब 2029 में। आपको पता होना चाहिए स्टेप 2 इज क्लिनिकल, स्टेप 1 जो होगा आपका दैट इज थियोरेटिकल। बट 2024 में जो बच्चे एडमिशन लेंगे, दे विल हैव टू गिव The next examination, right everybody? तो ये आपका होगा, it is a very very important step जहां पर quality control in medical education होगा। Stay tuned, tomorrow I will discuss about this in a lot of depth. So stay tuned to all our videos. Don't forget to like, share, subscribe. कोई problem है next के लिए, please put it down in the comment section. Take care, all the best.